दोस्तों, रमी टाइम में आप विड्रॉल कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट, ऑलरेडी पैन कार्ड और ऑलरेडी आधार कार्ड यूज़ हो चुका है, और आपको लास्ट टाइम तक विड्रॉल कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं टेक्निकल भी तो वीडियो स्टार्ट कर दी। दोस्तों, ये देख लीजिए, रमी टाइम ओपन कर लिया। रमी टाइम ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं, मेरे पास 210 रुपीज़ है, तो आपको विड्रॉल पे क्लिक कर लेना है। तो नीचे वॉलेट पे क्लिक कर लेना है। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको वही विनिंग बैलेंस है, मेरे पास 180 रुपीज़ विनिंग बैलेंस है। तो विड्रॉल पे नीचे आपको क्लिक कर लेना है, ऐड कैश और विड्रॉल। उसको विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं, इंटर अमाउंट डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद सिलेक्ट टू विड्रॉल अकाउंट, तो आपको बैंक अकाउंट या यूपीआई दोनों में से एक सिलेक्ट कर लेना है। और आप यूपीआई थ्रू भी कर सकते हो और बैंक अकाउंट थ्रू भी कर सकते हो। तो सिलेक्ट अकाउंट टू विड्रॉल पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए, तो आप सब आपके सामने मैं स्टेट बैंक का, मैं अभी भी अकाउंट यूज़ कर रहा था, स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर यूज़ करने के बाद डायरेक्टली विड्रॉल पे क्लिक कर लेता हूँ। स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर यूज़ करने के बाद डायरेक्टली आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना, प्रोसेसिंग पे पेमेंट हो गए तो 1 रुपीस आपको बैंक अकाउंट डालने के बाद डायरेक्टली मिल जाता है। देख लीजिए, क्रेडिट अमाउंट 1 रुपीज़ डाल के, तो ये अकाउंट पे सिर्फ 1 सेकंड पे आपके अकाउंट पे क्लिक करते थ्रू आपको डायरेक्टली इंस्टेंट विड्रॉल हो जाएगा और बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। तो अमाउंट प्रोसेस भी चला गया, प्रोसेस भी चला जाने के बाद एक आपको नेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद डायरेक्टली आपका अमाउंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप चेक भी कर सकते हो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे। तो ये देख सकते हैं, ये आपके सामने ये डायरेक्टली राइट वाला ऑप्शन गिर चुका है, तो मतलब आपका अमाउंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये देख लीजिए, रिफ्लेक्ट टू बैंक अकाउंट, तो ये आपके सामने ये अमाउंट सक्सेसफुल हो गया है, और आपको बैंक अकाउंट में चेक भी कर सकते हो, आप यूज़ भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट में चेक भी कर सकते हो। ये देख लीजिए, विड्रॉल रिक्वेस्ट, मैं 100 रुपीज़ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये अमाउंट डायरेक्टली ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे चला गया और विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया है। तो ऐसे आपको विड्रॉल करना है, एक क्लिक थ्रू आपको विड्रॉल मिल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी सिलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।